हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक टच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उस मेडिसिन का नाम है क्रोटेलस हर्डुअस। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, या फिर ये किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है, या फिर इसे खाने के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में यानी कि जिस दवा के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है क्रोटेलस हर्डुअस। इसका पावर रहेगा 630 या 200। दोस्तों, इसके बारे में यह है कि अमेरिका के रॉटल नाम के जहरीले सांप के जहर से यह दवा बनाई जाती है। यह दवा त्वचा रोग में काम आती है, जैसे कि मुहासे, फोड़े, नासूर, विसर्प, खुजली, पित्ती, विवंता, गेंग्रीन। इसमें आगे है त्वचा रोग विशिष्ट लक्षण, जैसे कि त्वचा नीली सी, बैंगनी, पीले रंग की, धब्बेदार, नीले रंग के फोड़े जिसमें खून भरा हो, नासूर जलन करने वाले, जिसके चारों ओर की त्वचा बैंगनी रंग की पड़ जाती है। इसमें आगे है मानसिक लक्षण, यानी कि यह दवा मानसिक लक्षणों में भी काम आती है, जैसे कि रोगी चिड़चिड़ा और ज़िद्दी होता है, मामूली सी बात पर गुस्सा हो जाता है, डरपोक, हमेशा डरा हुआ रहता है, स्मरण शक्ति कमज़ोर रहती है, हमेशा उदास, दुखी और सुस्त रहता है, रोगी को हमेशा ऐसा लगता है कि वह दुश्मनों से घिरा हुआ है, दुश्मन उसका पीछा कर रहा है। इसके कुछ व्यापक लक्षण भी हैं, जैसे कि रक्तस्राव की प्रवृत्ति, रक्त गाढ़ा काला लेकिन जमने वाला, रक्तस्राव के बाद शरीर पीला पड़ जाना, गैंग्रीन कार्बकल वगैरह में दुर्गंधित रक्त जाता है, नींद के बाद तकलीफें बढ़ जाती हैं। लक्षण वसंत ऋतु में बढ़ते हैं। इसका शक्ति रहेगा 6 से लेकर 200, यानी कि 630 और 200। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, लेकिन अगर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और रही बात इस दवा को कैसे खाया जाए, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोगों को पहुँच जाएगा उतने लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा और भी कई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।